नाउ जो हम लोग ने अभी चेन रूल पढ़ा फॉर कॉम्पोजिट फंक्शंस, उसमें हम लोगों ने डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करे। नाउ अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आंसर्स भी वैसे ही आएंगे बट प्रोसेस से करेंगे। लेट्स से वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ ऑब्वियसली ये साइन एक्स तो है नहीं, साइन एक्स होता तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, कॉस एक्स। अब यहां पे जो अंदर आर्ग्यूमेंट है दैट इज नॉट एक्स, तो ये एक तरीके से कॉम्पोजिट फंक्शन है। क्यों? लेट्स से एफ एक्स को हम साइन एक्स मान लें, जी एक्स को हम मान लें एक्स स्क्वायर प्लस वन फंक्शन। तो एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो हम इनपुट में देंगे टू एफ एक्स। तो एक्स की जगह एफ एक्स में क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यानी डेफिनेटली कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो अभी हम लोग ने जो अपना मेथड करा था उसमें हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर रहे थे, जैसे मैं इसमें हम लोग क्या कह रहे थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आता था, डी वाई बाई डी एक्स। और हम ये कह रहे थे कि सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शंस को देखते हैं, अगर बाहर वाले फंक्शंस में पावर फंक्शन है तो सबसे पहले पावर फंक्शन को ट्रीट करेंगे। अगर पावर फंक्शन नहीं है तो लेफ्ट मोस्ट हमारा कौन सा पहला फंक्शन मिल रहा है, साइन। साइन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स। तो एक्स की जगह जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट में है, जो कुछ भी है वो एज इट इज हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड देन इनटू जो भी अंदर है उस नेक्स्ट फंक्शन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन मिल रहा है, तो क्या करें, उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन तो है ही ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वन। तो वन का तो जीरो हो गया, कॉन्स्टेंट है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स। किस बेसिस पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज वॉट, एन एक्स एन माइनस वन, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहां पे क्या आ गया, 2x। तो योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर प्लस 1। ये मेथड वन है, ये हमने डायरेक्टली किया। और इसी मेथड को हम चेन रूल से कैसे करेंगे, करा है ऊपर भी चेन रूल है लेकिन अब हम शो करके करते हैं। दिस इज मेथड टू। यहां पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमारा एम ये है कि हम अपने फंक्शन को स्टैंडर्ड फंक्शंस में कन्वर्ट कर लें। तो अगर यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम मान लेते हैं, लेट से t एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हमारा अब फंक्शन y किसके टर्म्स में हो गया, y इज इक्वल टू साइन t, और t किसके टर्म्स में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो कहने का मतलब यह है कि हम तब तक फंक्शंस को अज्यूम करते चले जाएंगे जब तक हम x तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि तो हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लेट से हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम लोग ने चेन रूल में क्या पढ़ा था कि dv बाई डी यू कैन बी रिटन एज डी वी बाय लेट से डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाय लेट से डी के इंटू डी के बाय लेट से डी यू। जो भी फंक्शन जिसके भी टर्म्स में उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे टिल वी गेट टू द पॉइंट कि हमारा एक्स आ जाए, हम मानते चले जाएंगे। लेट्स लुक एट दिस। तो यहां वाई किसके रिस्पेक्ट टर्म्स में, टी, तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। और टी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के, तो ये क्या लिख देंगे, डी टी बाय डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी टी, तो अब डी वाई बाई डी टी जब निकालेंगे तो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन टी का। और साइन टी तो क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो साइन टी का क्या डिफरेंशिएशन होगा, कॉस टी। और डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो ये ऐसे ही आएगा 2x। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2x। तो ये हो गया 2x इंटू कॉस टी, और टी हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन।
देखिए ये आंसर और ये आंसर एग्जैक्टली सेम है। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से वी हैव y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वेयर बाय थ्री माइनस एंड वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो अगर सिंपल वे में कहें तो हम लोग को क्या करना है, अपने क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया है उसको स्टैंडर्ड फंक्शंस में ब्रेक करते चले जाना है टिल वी गेट टू द पॉइंट वेयर वी रीच x। तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, रूट फंक्शन। तो हमने क्या किया, ये पूरी चीज को जो रूट के अंदर लिखी है इसको कुछ मान लिया। तो हमने कहा लेट t इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर बाय थ्री माइनस वन। तो इससे हमारा फंक्शन क्या बन गया, y इक्वल्स टू रूट टू। तो नाउ y इक्वल्स टू रूट टू हो गया। अब ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्यों है, बिकॉज हमको x रेस टू पार n का डिफरेंशिएशन पता है। तो ये x रेस टू पार n का ही फॉर्म है, t रेस टू पार हाफ स्टैंडर्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन मिलना चाहिए, log x। log x हमें पता है, तो हमने क्या किया उसके अंदर जो चीज है उसको फिर कुछ मान लिया। लेट से u इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय थ्री माइनस वन। तो अब हमारा t जो है वो क्या हो गया, log ऑफ u। नाउ log ऑफ u इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे log x होता है वैसे log u है, स्टैंडर्ड हो गया हमारा। इसका भी डिफरेंशिएशन हमें पता है, dx ऑफ log x। नाउ अब हमें कौन सा फंक्शन दिख रहा है, साइन। तो साइन एक्स का स्टैंडर्ड फंक्शन बनाने के लिए अंदर वाली चीज को फिर कुछ मान लें, लेट से v। तो हमने कहा लेट v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन। तो अब देखिए हम एंड में कहां पहुंच गए, x तक पहुंच गए, अब यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो हमारा u की वैल्यू क्या हो गई, साइन ऑफ v। और हमें पता है d बाय dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, यह भी हमारे लिए स्टैंडर्ड फंक्शन है। और लास्ट में क्या हो गया, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन। यानी अब हमें dy बाय dx अगर निकालना है तो हम चेन रूल कैसे लगाएं, y किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। t किसके रिस्पेक्ट में है, u के, तो हम t को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u। और चेन रूल में हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इनटू u किसके रिस्पेक्ट में है, v, तो हम u को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u बाय dv। और v किसके टर्म्स में, x, तो हम v को डिफरेंशिएट कर देंगे x के टर्म्स में dv बाय dx। तो ये हमको आपको, ये आपको फाइनल आंसर दे देगा। नाउ आसान इस सेंस में होगा क्योंकि अब हमने सारे फंक्शन स्टैंडर्ड बना लिए, तो हमें स्ट्रेट अवे उनके फॉर्मुलेस पता है, dy बाय dt। नाउ dy बाय dt क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। यहां क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाय dt क्या आएगा, स्टैंडर्ड है तो t रेस टू पार है, x रेस टू पार n की तरह ट्रीट करिए, तो हाफ t हाफ माइनस वन विच इज वन बाय टू t रेस टू पार हाफ, उसको हम t वन अपॉन t रेस टू पार हाफ लिख सकते हैं विच इज रूट t। सिमिलरली तो लेट्स से यहां पे हम लोग लिख लेते हैं वन अपॉन टू रूट t। नाउ नेक्स्ट t किसके टर्म्स में है, u के टर्म्स में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, तो dt बाय du क्या होगा, log, अगर यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते तो यहां x होना चाहिए था, तो log x का क्या होता, वन अपॉन x, तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन u। तो यहां हम क्या लिख देंगे, dt बाय du क्या है, वन अपॉन u। अब आइए v इज इन टर्म्स ऑफ u इज इन टर्म्स ऑफ v, तो यहां हम डिफरेंशिएट कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v, तो du बाय dv क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन वी का क्या होगा, कॉस वी। यहां क्या आ जाएगा, कॉस वी इंटू लास्ट हमारे पास क्या है, वी इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो यहां किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स क्या आएगा,
वन बाई थ्री इज अ कॉन्स्टेंट, तो वो हम बाहर कर लेंगे अपने डिफ्रेंसिएशन के, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, टू एक्स, एक्स रेज टू पावर एन का क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स रेज टू पावर टू माइनस वन विच इज वन, और वन तो कॉन्स्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा जीरो, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या आई टू एक्स बाय थ्री, तो यहां पर क्या आ गई टू एक्स बाय थ्री, ये हमने वैल्यूज रख दी। अब वापस ले आइए सारी वैल्यूज, स्टार्ट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या हुई वन अपॉन टू इंटू रूट टी, टी आपका क्या था लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन इंटू वन अपॉन यू, यू क्या था साइन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन इंटू कॉस वी, वी क्या था एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन, और आखिरी में क्या है टू एक्स बाय थ्री, देयरफॉर टू से टू चाहे तो हम कैंसिल कर ले, तो फाइनल आंसर क्या हो गया कॉस एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय थ्री लॉग अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन, इनफैक्ट साइन अपॉन कॉस, सॉरी कॉस अपॉन साइन, ये क्या बन जाएगा कॉट, तो वी कैन राइट दिस एज सिंपली कॉट, कॉट एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन, यस, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर हम ये प्रॉपर मेथड से करने के बजाय डायरेक्ट मेथड से करते तो कैसे करते, आंसर यही आना चाहिए था। हमारा क्वेश्चन क्या था y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन, इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन होल रेज टू पावर हाफ, तो हम लोग का रूल क्या था सबसे बाहर जो एक्सटर्नल फंक्शन है उससे डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करें, अंदर का आर्ग्यूमेंट एज इट इज रखें और अंदर की तरफ जाते रहे जाए जो फंक्शन मिल रहा है उसका डिफरेंशिएशन करें और उसके अंदर का आर्ग्यूमेंट सेम रखें। तो सबसे पहले हमको कौन सा फंक्शन मिल रहा है पावर फंक्शन, तो ये मन में सोचिए x है तो x रेस्ट पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है हाफ x हाफ माइनस वन विच इज x रेस्ट पावर माइनस हाफ, तो नीचे आ जाता तो क्या होता रूट ऑफ x, x हमने ये माना था पूरी चीज तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन, नेक्स्ट इंटू पावर फंक्शन हो गया, अब हमें कौन सा फंक्शन मिला लॉग, लॉग का क्या डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, तो यहां एक्स का काम कौन कर रहा है ये कर रहा है, ये आर्ग्यूमेंट को एज इट इज रखिए तो वन अपॉन एक्स, एक्स की जगह ये आर्ग्यूमेंट एज इट इज लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन इंटू, फिर हमें क्या मिल रहा है साइन फंक्शन, साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो x की जगह क्या करिए यही आर्गुमेंट रखिए तो क्या आएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन, एंड देन फाइनली हम कहां जाएंगे इस वाले पोर्शन में, ये तो x के टर्म्स में है तो एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स बाय थ्री, और वन का तो जीरो ही हो जाएगा, चेक करिए टू से टू कैंसिल हो गया कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन, एक्स यहां आ गया होल डिवाइडेड बाय थ्री अंडर रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस वन, चेक करिए ये आंसर और जो हम लोग ने अभी ये निकाला है देखिए एग्जैक्टली सेम आंसर है, पर वो ये मेथड हमने डायरेक्ट करा है वो हमने प्रोसेस के थ्रू किया है। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, हमें गिवन है y is equal to e raised to power sin x square and to find dy by dx. Now, obviously ये composite function है, तो start करते हैं, हमने कहा y is equal to e raised to power sin x square. सबसे पहले हमें standard function कौन सा दिख रहा है e, तो e raised to power x करना है तो हम क्या करें let sin x square को t मान लिया तो y क्या हो गया e raised to power t, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, देन हमको एक्स स्क्वायर
हमें साइन एक्स लाना है राधा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर को कुछ मान लें, लेट से एक्स स्क्वायर इज यू, तो फिर टी हमारा क्या हो गया, साइन यू, एंड फाइनली एक्स तक पहुंच गया, तो यू की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने अपने फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिए। अब हमें निकालना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, हम कैसे लिख सकते हैं, वाई किसके टर्म्स में है, टी के टर्म्स में, तो हम क्या लिख लें, डिफरेंशिएट कर दें डीवाई बाई डी टी इन टू, टी किसके टर्म्स में, यू के, तो डिफरेंशिएट कर दें डी टी बाय डी यू, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू यू, और यू किसके टर्म्स में, एक्स के, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी यू बाय डी एक्स। तो ये हमारा चेन रूल हो गया। नाउ इस केस में हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर यहां e की पार x होता तो हम लिखते डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पार x का क्या होता है, e की पार x, यहां पे है t तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली e की पार t। सेकेंड स्टेज, यहां क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, u, क्योंकि u हमारा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, अगर यहां पे x होता तो क्या होता, sin x, तो क्या लिखते डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, cos x, यहां है u तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आ जाएगा, cos u, एंड देन वी हैव x, यहां तो x के टर्म्स में है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, x रेज टू पावर n की तरह ट्रीट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ यहां प्लग इन कर दीजिए वैल्यूज, dy बाई डी टी क्या है, e की पार t, dt बाई डी यू क्या है, cos u, और du बाई डी एक्स क्या है, 2x। नाउ वैल्यूज वापस ले आइए, e रेज टू पावर t, व्हाट इज t, t इज साइन x स्क्वायर इंटू cos u, cos u क्या है, x स्क्वायर है, इंटू 2x, तो योर आंसर इज 2x e की पार साइन x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर। ये आपने पूरा मेथड से किया है क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन अगर हम लोग अपने ओरिजिनल तरीके से देखें, जिसमें हम लोग ये सब नहीं लिखते हैं, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि पावर फंक्शन है कि नहीं, तो पावर कहीं नहीं लगा है, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन एक्सटर्नल मिला, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वी राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx क्या होगा, सबसे पहले एक्सटर्नल फंक्शन e वाला मिला, तो ये आर्ग्यूमेंट एज इट इज हम लिख देंगे अपने डिफरेंशिएशन में फॉर e के, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर sin x स्क्वायर। देन अंदर जाइए तो सेकंड फंक्शन क्या मिला, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो हम cos और x की जगह क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, जो अंदर का आर्ग्यूमेंट है उसे एज इट इज लिख देंगे, तो cos ऑफ x स्क्वायर इनटू, फिर अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर फंक्शन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू एक्स ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, विच इज सेम जो हमें मेथड से मिल रहा था। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन रूट एक्स एंड वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स में बनाने की कोशिश करें, तो y क्या है, रूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ रूट एक्स रेज टू पावर हाफ, तो सबसे पहले तो हमें क्या दिख गया, पावर फंक्शन मतलब x की पावर n का फॉर्म, तो ये मन में सोचिए x है, तो हमने क्या किया, साइन रूट एक्स को लेट से t मान लिया, क्यों मान लिया, जिससे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, तो बन गया t रेज टू पावर हाफ, विच इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, x की पावर n की तरह हो गए, फिर ये साइन को हमें स्टैंडर्ड बनाना है, तो ये रूट एक्स नहीं आना चाहिए, x होता तो ठीक था, तो हमने क्या किया, रूट एक्स को लेट से u मान लिया, तो अब हमारा t क्या हो गया, साइन u हो गया, एंड साइन u एक तरीके से स्टैंडर्ड हो गया साइन x की तरह, और u हमारा क्या है, u हमारा है रूट एक्स, हमें x तक पहुंचना है एंड तक। अब हमारा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy by dx, मैं चेक करिए y किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में, तो उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया dy by dt into t किसके टर्म्स में, u के टर्म्स में, तो क्या लिख दें, dt by du, और u किसके टर्म्स में, x, तो फाइनली du by dx, ये हमारा चेन रूल लग गया।
अब क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ t है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, और x की पावर n का क्या होता है nx n माइनस वन, तो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा dy बाई dt, इट वुड बी हाफ t हाफ माइनस वन विच इज हाफ t माइनस हाफ विच इज हाफ t रेस टू पावर हाफ विच कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 रूट t. तो यहां पे हमारा क्या आ गया 1 अपॉन 2 रूट t इनटू, नेक्स्ट आइए t इज इन टर्म्स ऑफ u, तो क्या करूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या हो जाएगा dt by du, sin x का क्या होता है cos x, तो sin u का क्या हो जाएगा cos u, यहां क्या आ गया cos ऑफ u इनटू u, तो x के टर्म्स में है तो क्या करूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा du by dx, और ये क्या फॉर्म है x raise to power half, तो ये तो पावर फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे half x half minus 1 which is half x minus half can be written as half x half and which can be written as 1 upon 2 root x, तो यहां क्या आ गया 1 upon 2 root x, अब वैल्यूज वापस लिख दीजिए 1 upon 2 into 2 is 4 into root t, t क्या था sin root x, ये हो गया root of sin root x into cos u, u क्या लिया था root x into 1 upon root x, तो therefore your final answer becomes 1 upon 4 root x into root of sin root x और ऊपर क्या है cos root x, this is your answer. Now इसको अगर हम वही direct method से करें तो क्या होगा y is equal to sin root x की पावर हाफ, तो सबसे पहले हमें एक्सटर्नल फंक्शन क्या मिल रहा है पावर फंक्शन मिल रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट करें तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx क्या होगा, सबसे पहले पावर फंक्शन इसको सोचिए मन में जैसे x है, तो क्या होगा हाफ x हाफ माइनस वन, हमारा रूल क्या है हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं अंदर के आर्गुमेंट में जो कुछ भी है उसको एज इट इज लिखते चले जाते हैं इनटू, अब पावर फंक्शन क्या हो गया, अब हमें कौन सा फंक्शन मिला एक्सट्रीम लेफ्ट पे साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, अंदर का आर्गुमेंट एज इट इज लिखेंगे उसका तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ रूट एक्स, फिर अंदर गए तो क्या मिला रूट एक्स, रूट एक्स इज एक्स टू पावर हाफ, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, चेक करिए इससे आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 4 रूट एक्स, और ये हो गया एक्स की पावर, ये तो माइनस हाफ होगा नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स, और ऊपर क्या आएगा कॉस रूट एक्स, चेक करिए यहां से आंसर और यहां से आंसर एग्जैक्टली सेम है, पर वो जो मेथड है वो प्रॉपर मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है, जब आपको बहुत जल्दी निकालना हो और आपको सिर्फ आंसर ही देखने हो तो फिर ये मेथड सही है. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, we are given y is equal to log e square root of 1 minus sin x upon 1 plus x and we have to find dy by dx at x is equal to pi by 3, ठीक है obviously composite function है, log x होता तो standard होता, तो पहले हम क्या लिख लें y equals to log e 1 minus sin x upon 1 plus sin x whole raised to power half, तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है लॉग की कि लॉग a रेस्ट टू पावर m हो तो m कम्स आउट तो m लॉग a हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ लॉग e 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x. नाउ अगर हमें इसमें चेन रूल लगाना है तो फिर हम क्या करें, हम इसको स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करें, तो लेट से ये जो पोर्शन है इसको कुछ मान लेते हैं t, तो हमने कहा लेट t is equal to 1 minus sin x upon 1 plus sin x, क्यों करा जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड बन जाए हाफ log बेस e t, क्योंकि log t का तो डिफरेंशिएशन 1 upon t होता है अगर t के रिस्पेक्ट में करें तो. नाउ t हमारा क्या है वो तो x के टर्म्स में आ गया फाइनली 1 minus sin x upon 1 plus sin x. नाउ अगर अब हम चेन रूल लगाएं तो क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy by dx की वैल्यू क्या होगी y किसके टर्म्स में t के टर्म्स में, तो हम उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देंगे dy by dt into t किसके टर्म्स में x के टर्म्स में, तो हम उसको कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt by dx, तो ये हमारा चेन रूल लग गया. नाउ
इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग वाई को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी के टर्म्स में हमारा फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी टी, हाफ तो बाहर ही रहेगा कॉन्स्टेंट, लॉग टी ई टी का क्या होता है वन अपॉन टी, टी क्या आ जाएगा वन अपॉन टी। तो यहां पे तो हमारा आ जाएगा, लेट से यहां हमारा आ जाएगा वन अपॉन टू टी इन टू। अब इस पे आइए, अगर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स के को सिंप्लीफाई करना हमें नहीं आता तो हमें इसमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा और लिखना क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें तो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर। सम ऑफ यू माइट थिंक कि कैसे आया, तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू हाफ एंगल फॉर्मूले में, प्लस 1 की जगह क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो चेक करिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू वन हो गया, और टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू डबल एंगल में करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, पर ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कॉस एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नाउ जो सेकेंड फॉर्म हमको समझना है कि अगर कभी भी कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन का फॉर्म लिखा हो या कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन का फॉर्म लिखा हो, यहां पे जो एक्स है आर्ग्यूमेंट्स है वो सब सेम होने चाहिए चारों में, जो भी हो पर सेम हो, तो हम कॉस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स आएगा, या फिर वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स आएगा फॉर्म। तो थर्ड स्टेज इज वन की जगह हम यहां पे tan 45 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया tan 45 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इनटू tan 45 लिख सकते हैं 1 की जगह, और यहां हो जाएगा tan 45 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इनटू tan 45 लिख सकते हैं। तो ये क्या फॉर्म बन गया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, तो क्या बन गया tan a प्लस b का फॉर्मूला, ये क्या बन गया tan a माइनस बी का फॉर्मूला। मतलब अगर हमको 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स दिया तो यहां तक हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये चीज क्या निकल के आई, ये चीज को अगर हम सॉल्व करें तो ये t की वैल्यू क्या आ गई, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्म आएगा, ये फॉर्म आएगा। अब यहां x है तो यहां x आया, यहां x by 2 है तो क्या आ जाएगा tan pi by 4 minus x by 2 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हमें क्वेश्चन रूल लगाने से हम बच गए, तो t की वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर या tan ऐसे ही रहने देते हैं, pi by 4 माइनस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। नाउ इसमें भी हम चेन रूल लगा सकते हैं, तो हमने क्या किया, अब अगर हम इसमें चेन रूल को डायरेक्टली लगाएं तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पावर फंक्शन, तो x की पावर 2 सोचिए, दिस अज्यूम दिस टू बी मन में कि x है, तो x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो dt by dx क्या आएगा 2 इंटू x, x तो ये पूरी चीज है, तो tan pi by 4 माइनस x by 2 इंटू, फिर क्या आएगा, सब पावर फंक्शन के बाद हमें कौन सा फंक्शन मिला, tan, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो x की जगह क्या आएगा जो अंदर का आर्ग्यूमेंट है, तो ये क्या हो गया pi by 4 माइनस एक्स बाय टू इंटू, जब टैन हो गया तो फिर अब किसके पास गए, इस फंक्शन के पास, पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई बाय फोर का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, माइनस हाफ बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन,
तो क्या आ जाएगा माइनस हाफ। तो ये टू से टू कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आया टैन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू इंटू सेक्स स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, और बाहर क्या आ जाएगा ये वाला माइनस। तो dt by dx हमने ऐसे निकाल लिया डायरेक्ट, तो dt by dx की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस tan pi by 4 माइनस x by 2 इंटू sec स्क्वायर pi by 4 माइनस x by 2, और क्या बचा था बस। तो यानी dy by dx अब हमारा क्या है dy by dx would be माइनस 1 अपॉन 2 t, t हमने क्या माना था 1 माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू टैन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू अपॉन सेक्स स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। अब बस हमें क्या करना रह गया, हमें ये क्या आ गया एफ डैश एक्स आ गया, तो हमें बस पाई बाय थ्री पे निकालना है, मतलब एक्स को क्या रख दें पाई बाय थ्री, तो वैल्यू ऑफ दिस एट पाई बाय थ्री आ जाएगा, जब पाई बाय थ्री रख देंगे तो वी कैन गेट दी आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, पर इसमें जो चेन रूल लगाया है इसमें हमें दो स्टेज पे चेन रूल लगाना पड़ गया। अगर हमें चेन रूल से अगर सेकेंड स्टेज पे चेन रूल से बचना है तो यहां हम क्या लगा देते, यहां क्वेश्चन टूल हम लगा देते तो भी हमारा काम चल गया होता। Now let's take the next question. We have y is equal to log x plus under root a square plus x square and we have to find dy by dx. Now, अगर इसको हम direct method से चलाएं, तो differentiating with respect to x, तो क्या लिखेंगे dy by dx? सबसे पहले power function check करें, तो power function है नहीं, ये raise to power 1 ही है, तो power function नहीं है। तो सबसे पहला function क्या मिला log, सबसे external function क्या मिला log, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, यहां कोई बेस नहीं लिखी मतलब क्या मानेंगे e, तो x का काम कौन करेगा ये करेगा, हम लोग क्या कहते हैं एक्सटर्नल फंक्शन से डिफरेंशिएट करते जाइए अंदर के आर्गुमेंट्स उस फंक्शन के लिए रिटेन करिए। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, और x क्या है ये पार्ट है, तो क्या हो गया x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई करके किसका डिफरेंशिएशन होगा इसका होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर है, इनटू इसके डिफरेंशिएशन में कैसे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। अब 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया प्लस, अब चेक करिए सबसे पहले क्या है पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन का ट्रीटमेंट सबसे पहले होगा, तो x रेज टू पावर हाफ होता तो क्या लिखते आप हाफ x हाफ माइनस 1 विच इज सेम एज 1 अपॉन x टू पावर हाफ विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन 2 रूट x, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये काम क्या करेगा x का, ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब पावर फंक्शन हो गया तो हम अंदर गए फंक्शन के, तो हमें क्या मिला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, तो आपका सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा चेक करिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ट्वाइस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x विच कैन बी सिंप्लीफाइड एज 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चेक करिए x प्लस
ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या आया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इनफैक्ट ये याद रख लेना भी इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट वो है डिफ्रेंसिएशन कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी अगर याद रख लें तो इट इज गुड, ये काफी इस्तेमाल होता है। नाउ इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग मेथड से कर रहे होते तो क्या होता, स्टेप्स कैसे लिखते हैं, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फंक्शन बनाने के लिए इसको क्या मान लेते हैं, कुछ टी, तो हम कहते हैं लेट टी इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा वाई क्या हो जाता है, लॉग ऑफ टी, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, लॉग एक्स लिखिए चाहे लॉग टी लिखिए, तो हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ अब ये तो टी डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया, तो अब इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, तो टी हमारा क्या हो गया एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग एक्स करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई किसके टर्म्स में, टी के टर्म्स में, तो डी वाई बाई डी टी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड टी किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में, तो किसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाय डी एक्स। तो ये हमारा चेन रूल हो गया। अब आइए इस पे, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो क्या होता है लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे लॉग टी का तो क्या होगा, डी वाई बाय डी टी विल बी वन अपॉन टी। नाउ कम टू दिस पार्ट, इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अलग अलग कर दें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप चाहें तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो स्ट्रेट अवे वन है, इसमें फिर से आप क्या डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिया हाफ। अब इस क्वेश्चन को सेपरेटली ट्रीट कर ले, तो इसको मान ले कुछ कुछ भी मान ले, लेट से बी, इसको हमने कोई एक नया फंक्शन माना, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर हाफ, तो ये भी हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो हमने क्या किया, v इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया लेट से k, तो हमारा क्या हो गया v रेस टू v इक्वल्स टू k रेस टू पावर हाफ, और k क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर हम निकालेंगे dv by dx तो क्या होगा dv by dk, क्योंकि v k के टर्म्स में और k किसके टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv by dk क्या हो जाएगा x की पावर n की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा हाफ k रेस टू पावर माइनस हाफ विच इज वन बाई रूट के इंटू डी के बाई डी एक्स क्या होगा ए स्क्वायर का जीरो और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स। तो टू से टू कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद एक्स अपॉन रूट के, k क्या था आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या निकल के आया, वन प्लस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिएगा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इन दोनों की वैल्यूज प्लग इन अगर हम कर देते हैं यहीं पे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी क्या था वन अपॉन टी, और डी टी बाई डी एक्स अभी क्या निकाला हम लोगों ने एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ टी की वैल्यू क्या थी, टी हमने क्या माना था एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये था इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चेक करिए कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर हमारे डायरेक्ट मेथड से भी आ रहा था। चेक करिए, तो दोनों मेथड सही है, डिपेंड करता है कि आप स्कूल लेवल पे कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल पे। कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमें ये स्टेप्स शो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ओरली इनको कर सकते हैं।